भैया, ये तो पहला प्रयोग हो गया और दूसरा प्रयोग आप बता रहे थे सब्जी भाजी में या फिर अनाज में कीड़ा लग गया तो उसकी छिड़काव फिर कैसे करते हैं या प्रयोग कैसे करते हैं? दीदी मैम, इसमें 1 गिलास अमृत पानी है तो उसमें फिर 15 गिलास पानी मिलाएंगे और हाँ, उसके बाद में तो जहाँ कीट लगे हैं वहाँ छिड़काव करेंगे। हाँ कहाँ से करते हैं? स्प्रे पंप से? हाँ उसी से हाँ। करते हैं। क्या ये सब सिंचाई करने से जो कीड़ा है वो सब मर जाते हैं या भाग जाते हैं? नहीं, सिंचाई करने से तो सब कीड़ा है तो भाग जाते हैं, कुछ नष्ट भी हो जाते हैं तो फसल का बचाव फिर हो जाता है। हाँ, अच्छा से अच्छा फायदा होता है। हाँ भैया, तीसरा आप बोल रहे थे केचुआ खाद में, तो उसमें कैसे प्रयोग करते हैं? अब इसमें दीदी केचुआ खाद वाए हैं तो 10 किलो कर लेंगे और 1 गिलास अमृत पानी, 10 गिलास पानी में 10 किलो खाद मिला के तो मिक्स कर देंगे इसमें। अच्छा, उसको इसी प्रकार सुखाना पड़ेगा कि तुरंत ले जाके डाल देंगे? नहीं, उसको तुरंत ले जाके डाल सकते हैं। अच्छा, उपचार किए हाँ, और तुरंत उपचार ले किए जाके, तुरंत ले जाके डाल दो, क्योंकि वो वर्मी कंपोस्ट खाद बने बुनाए बना हैं, हुआ खाद है वो, उसको उपचार किए और ले जाके ले बुनाए। जाके डाल दिए। भैया, ये तो हो गया, अब ये जो बचे हुए हैं उसको कैसे करेंगे आप? नहीं, इसको तो महीना भर तक भी रख सकते हैं और उसको उपचार करेंगे जब, तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा फिर पानी उसमें बढ़ाते जाएंगे, 1 गिलास अमृत पानी में एक पानी। माह तक तो उतना ही लगेगा। हाँ, उसके बाद है तो पानी की मात्रा फिर बढ़ाते जाएंगे। जैसे 2 माह हो गया भैया, तो हाँ 1 गिलास अमृत पानी और उसमें 11 गिलास पानी कर हाँ दिया, हाँ 11 गिलास पानी बढ़ा देंगे उसमें फिर, 1 गिलास एक पानी बढ़ गिलास जाएगा। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छा तरीका है और सरल तरीका है, तो आप और किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं भैया? अब हम भी तो चाहते हैं दीदी कि हाँ भैया, सभी किसान ऐसे ही करें हाँ, तो सभी को फायदे मिलेगा। हम तो जबलपुर बालाघाट से साहब आए थे तो हमको बताए थे, तो स्कीम करके देखे तो बहुत अच्छा खाद है ये, फिर अब करना चाहते हैं तो दूसरे किसान भी कर सकते हैं। भैया इतना अच्छा जानकारी दिए आप और फिर टाइम भी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ दीदी, राम राम दीदी।